ऑलराइट है गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, सेकंड फेस एग्जाम में सेमेस्टर फोर्थ और सेमेस्टर सिक्स के कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलिजिबल होंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं हो सकते, तो इसके बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, DUSOL के जो वाइस प्रिंसिपल है उमा शंकर पांडे, ये हमेशा अपने इंटरव्यू यूट्यूब पे देते रहते हैं कि कौन कौन सी डिस्कशन ये करते रहते हैं। तो इन्होंने दो दिन पहले हाल ही में एक इंटरव्यू आया था जिसमें इन्होंने बताया था सेकंड फेज में वो सारे बच्चे एलिजिबल होंगे, सेकंड फेज लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स के लिए कराया जा रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें वो सारे बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं जो कोविड इन्फेक्शन की वजह से पहले, मतलब अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं मई जून वाले, इनको अटेंड नहीं कर पाए, या किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी भी ट्रीटमेंट की वजह से, कोई भी ऐसा हेल्थ इशू की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, तो सेकंड फेस एग्जाम उनके लिए रीअपेयर करवाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखो एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स के पास, कोई दूर से आता है, ठीक है, किसी का कोई एग्जाम क्लैश हो रहा है, तो इसके बारे में उन्होंने कहीं भी अभी तो फिलहाल जिक्र नहीं करा, बस इन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई भी, मान लो कोविड के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स या किसी का भी कोई भी किसी भी टाइप का, देखो इसमें ये भी बोला किसी भी तरह का, जरूरी नहीं है कोविड, बस इन्होंने बोला किसी भी तरह का, ठीक है, और ये इन्होंने ऐसा बोला था किसी भी तरह का, अगर मान लो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है, उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी जो रिसिप्ट है पेमेंट वगैरह की, या उसके डॉक्यूमेंट आपने किस हॉस्पिटल से लिया है, वो सारी चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल को या फिर बोल सकते हो SOLDU को अवेलेबल करवानी पड़ेगी आप लोगों को। आप लोग जैसे उनको ये सब चीज़ें दिखा दोगे, शो करवा दोगे कि आप लोगों ने एन नंबर ऑफ रीज़न की वजह से या इस रीज़न की वजह से, इस ट्रीटमेंट की वजह से आप लोगों ने अपीयर नहीं करा, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा और सेकंड फेस एग्जाम आपका लिया जाएगा। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों के देखो अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ये उन्होंने मगर इतना कंफर्म नहीं करा। जब उनसे पूछा तो सारे बच्चे जैसे आउटर स्टेट में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि देखो अभी DUSOL ने ना, जो हमारे ऊपर जो DUSOL ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस तो निकाला नहीं है, उनको जितना पता था उन्होंने वो बताया। अब DUSOL ऊपर से जो भी नोटिफिकेशन देगा उसमें कौन कौन से रीजंस रखने वाला, या रीजंस बोल सकते हो वैलिड पॉइंट्स रख सकते हो, बोल सकते हो कोविड का हो गया, ट्रीटमेंट का हो गया, हेल्थ इशू का, तो सारे रीजन अवेलेबल होंगे, मतलब अप्रूव माने जाएंगे सेकंड फेस में देने के लिए। मगर इसके साथ साथ और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जैसे आउटर स्टेट वगैरह का, तो वो भी अगर होंगे तो वो भी जैसे अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कोई ऐसी लिस्ट आएगी या फिर कोई रीजंस की ऐसी बताया जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बाकी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि इसकी कोई एलिजिबल की फीस वीस वगैरह या रजिस्ट्रेशन अलग से करवाना पड़ेगा सेकेंड फेस में एग्जाम देने के लिए, तो देखो सेमेस्टर फोर्थ और सिक्स वालों ने पहले ही इसकी फीस भरवा दी है, इसके रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं, और ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद हो रहा है एग्ज़ाम, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई किसी टाइप की फीस किसी को भी नहीं देनी है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था अगर DUSOL ऊपर ऑफिसर्स अगर बोलते हैं कि इनकी फीस ली जाएगी तो उसको इन्फॉर्म भी कर देंगे, और जैसे ही वो इन्फॉर्म करेंगे हम आपको भी बता देंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल कोई ऐसा नोटिस नहीं आया कि कौन से रीज़न रहने वाले हैं, क्या रजिस्ट्रेशन करना है, क्या फीस आपको डिपॉजिट करनी है, तो अभी तो बस ये मान के चलो अपनी प्रिपरेशन करो, सेकंड फेस एग्ज़ाम आपके लिए है। अब लास्ट चीज़ एक और बता देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने किसी एग्ज़ाम के क्लैश होने के वजह से, मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या फिर हम किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए या छूट गया हमारा एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, हर बार का है SOLDU में जब एग्ज़ाम होते हैं 10-15% स्टूडेंट्स अब्सेंट रहते हैं, ये उन्होंने ऐसा खुद ने कहा था, DUSOL के जो वाइस प्रिंसिपल है हमारे उमा शंकर पांडे, उन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, और इन लोगों के लिए पहले जो DUSOL के ऑफिसर्स हैं या DUSOL निर्धारित करेगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी वैलिड रीजन की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, और उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम को दोबारा रीअपेयर करा जाएगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरा इस बार का एग्जाम खराब गया या फिर मैं बिल्कुल फेल हो जाऊंगा, नहीं दे पाया, तो प्लीज आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा सेकेंड फेस में, आप लोगों का एग्जाम नेक्स्ट ईयर लिया जाएगा, मतलब कि अगले साल मई जून में। ठीक है, आप लोग इसमें अपीयर नहीं हो सकते, बस ट्रीटमेंट अगर कोई मेडिकल इशू है या किसी भी तरह का आपको इशू है तो आप अपीयर हो सकते हो, बस उसका ट्रीटमेंट रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स हर चीज DUSOL पहले चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा, उसके बाद आपको देगा वो निर्णय, मतलब कि अप्रूव करने के बाद कि आप एलिजिबल होगे सेकंड फेज में या नहीं होगे। और अब मैं लास्ट चीज़ एक और बता देता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल इशू की वजह से तो नहीं मगर बाकी अनदर रीज़न की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए और सेकंड फेज में देना चाहते हैं, तो भाई इन लोगों को सिंपल सी बात है, किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में जाओगे, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आजकल मतलब कि 100-150 रुपये लेके प्राइवेट क्लिनिक में किसी भी तरह के, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो कि आपको पेट दर्द है या हेल्थ इशू
हुए हैं, ट्रीटमेंट हुआ है। तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो देखो, इन्होंने रीज़न तो अभी नहीं बताया, मगर रीज़न अगर जल्दी बता देंगे तो अच्छा ही रहेगा। मगर आप लोग अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट बनवा के प्रिपेयर करके रख लेना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में जब यही मांग रहे हैं, जब इसी की वजह से एग्ज़ाम दे पाओगे, तो मैं तो यही कहूँगा एक बनवा के रख लो, प्राइवेट क्लिनिक में आराम से बन जाते हैं, और इसकी वजह से फिर आप कम से कम एग्ज़ाम्स तो दे ही पाओगे, एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम दे दोगे। तो आज की इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्म करने वाला था, कोई फीस रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, और जैसी बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है ऊपर से तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। एसवेल के रिगार्डिंग सारी अपडेट चैनल एक्सप्लेन पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। किसी का कोई डाउट है कमेंट में पूछ लेना, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो, कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा एंड बाय बाय।